पहुंचाए जाते हैं, वो उसको उतारे जा रहे हैं ताकि जो उसको इस वक्त दिक्कत है उसे उससे निजात मिले। और ये तस्वीरें देखिए बेहद चिंताजनक इस वक्त बनती जा रही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो पुलिस वाले हो, दोनों ही जगह ऐसी हालात हैं और हमारे जवान किस तरीके से वहां पर इन्हें रोक रहे हैं, लेकिन उस दरमियान उन्हें कैसे चोटें आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मी और यहां पर किस तरीके से बेहोश हुआ है वो तस्वीरें भी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए, वहां पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में एक पुलिस का जवान जो है वो बेहोश हो गया, उसे होश मिलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार उसके हाथों में पैरों में मसाज की जा रही है ताकि वो जवान जो है वो होश में आ सके। रवि, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, क्या स्थिति है वहां की, जरा तस्वीरें दिखाइए आप एक बार फिर से दर्शकों को। बिल्कुल शिवांगी, देखिए कई जवानों को चोट भी आई है इस पूरे ट्रैक्टर परेड में। देखिए फिलहाल जो NH-34 पे कुछ ट्रैक्टर जो है रोक दिया गया है और ट्रैक्टर रुकी हुई है यहाँ पे, और शायद असमंजस की स्थिति इनके बीच भी बनी हुई है कि अब आगे का रूट क्या तय करना है, क्योंकि किसान जो रुके हुए, हालांकि कई जवानों को चोट आई इस NH-24 पे भी, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहाँ उस पे भी कई जवान खड़े थे, उन्हें भी चोट आया। देखिए तमाम किसान जो है अभी भी मौजूद है, क्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी आप लोगों के बीच में कि आगे कहाँ जाना है, वापस जाना है या दिल्ली की ओर जाना है? नहीं, यहाँ रोके गए थे, आगे ही जाना है हमें, कोई और थोड़ा ही है, घूमना है जैसे घूमते हैं, यहाँ परेड हो रही है, हम टीवी पे देखते थे, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ अक्षरधाम मंदिर के सामने खड़े हैं तो हमें भी दिल्ली की सड़कों पे घूमने, खाली मिल रही है सड़कें, ये सबसे बड़ी खुशी की बात लग रही है, सड़कें खाली मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं, जो रूट जो तय किया गया उस रूट आप